हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं हूँ अभी, आप देखिए मेरे पीछे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो ये आप देख रहे हैं आगरा का ताजमहल। तो मैं अभी आगरा में हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो वीडियो अपलोड करूँगा मैथमेटिक्स का, लेकिन आज मैं आपको आगरा का ताजमहल दिखाऊँगा। ताजमहल कैंपस के अंदर जाने का ये वेस्ट गेट है। अंदर जाने के लिए तीन मुख्य गेट है। हम लोग हैं वेस्ट गेट की तरफ और ये बाहर का नज़ारा है। तो हम लोग वेस्ट गेट से चलते हैं ताजमहल कैंपस के अंदर। अब हम लोग ताजमहल कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं और ये ताजमहल का एक सुंदर सा दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये ताजमहल के अंदर जाने का एक मुख्य द्वार है। हम लोग अब इस मुख्य द्वार से ताजमहल के अंदर चलते हैं और देखते हैं ताजमहल के अंदर में क्या है। ये ताजमहल के अंदर का भाग है। ये आप ऊपर में देख रहे हैं, ये गुंबद है, अंदर से ये दिखाई पड़ रहा है। श्वेत संगमरमर से बनाया गया ये ताजमहल का पूरा भाग है। ताजमहल के अंदर एकदम सेंटर में ये मुमताज और शाहजहां का नकली कब्र है। आप ये देख रहे हैं नकली कब्र है, इसके अंदर जो है वो असली कब्र है। ये आप देख रहे हैं दीवार में चारों तरफ एक सुंदर सा नक्काशी किया हुआ है और रत्नों से जड़ करके ये नक्काशी किया गया है। कुछ संगमरमर को कुरेद करके एक बढ़िया एक सुंदर दृश्य बनाया गया है। पूरे श्वेत संगमरमर पर कार्य हुआ है। ये ऊपर का भाग आप देख रहे हैं और चारों तरफ दीवारों के तरफ में नक्काशी किया हुआ आपको दिखाई देगा। एक सुंदर सा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है ताजमहल के चारों कोने में मीनार खड़ा है। 40 मीटर ऊंचा मीनार है प्रत्येक मीनार। और ये है आप देख रहे हैं ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी बह रही है। यमुना नदी के जस्ट किनारे ये बना हुआ है ताजमहल। ये ताजमहल के ऊपर से एक सुंदर सा दृश्य लिया गया है। आप ये देख रहे हैं ताजमहल से हम लोग ताजमहल पर खड़े हैं और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं एक सुंदर सा दृश्य है।